कहां कहां से लेकर आते हैं ऐसे नेता जिनको ना समझ है कि बोलना क्या है, ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं, यह भी नहीं पता कि संसद में किसको लेकर क्या जवाब दिया गया। आप फहरिस्त रेवंत रेड्डी, मणिशंकर अय्यर और इसके साथ चरणजीत सिंह चन्नी, सैम पित्रोदा, लिस्ट उठाना शुरू कर दूं सर तो कम पड़ जाएगी, लेकिन इनको पता नहीं क्या बोलना है, कब बोलना है और नहीं बोलना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या। खैर, ये टिप्पणी आपने भाजपा के नेताओं के लिए की होती तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जैसे भी समझौते होते आए हैं, ये एक निर्धारित विदेश नीति के तहत होते आए। हमारे पहले के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने भी बस यात्रा की थी लाहौर तक, और ऐसे कई मुकाम जो सरकारों ने किए हैं उन्हीं से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस है वो इम्प्रूव होते गए हैं। और आप कहते हैं कि हम पाकिस्तान की अगुवाई करते हैं, तो आपको याद दिला दें 1965-1971 इसमें पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से किसने दिया था? हमने दिया था। जब तक दोस्ती है हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं अवश्य, लेकिन जब बात भारत की सुरक्षा की हो, भारत की अस्मिता की हो, भारत के गौरव की हो, तो हमें करारा जवाब भी देना आता है। हर वक्त दुश्मनी पालना, हर वक्त झगड़े करना, इसमें बहादुरी नहीं है। बहादुरी इसमें है कि संयम सूझबूझ के साथ भारत की हर वक्त दुश्मनी नहीं पालनी चाहिए एक ऐसे देश से जो आतंकवादियों को हमारी देश की धरती पर भेजता है, वो जिसने कश्मीर को, जिसको जन्नत कहा जाता है, वहां पर अशांति फैलाने के लिए कोई ऐसी कोशिश है जो ना की हो, आप उसकी बात कर रहे हैं। और पॉलिसी की बात करते हैं लोकेश जिंदल, भारत की पॉलिसी आज के जमाने में अभी फिलहाल स्थिति में क्या है, क्या ये आपको पता नहीं है क्या पॉलिसी नजर आती है? सिंह साहब जरा मुझे ये बताइए कि अब इस अधूरे ज्ञान का क्या कीजिएगा, क्योंकि पॉलिसी भारत की तो बहुत क्लियर है ना अभी कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकती, लेकिन एटम बम का नाम लेकर इनके ये तमाम नेता हमको डराएंगे, बताएंगे भारत देश की शक्ति क्या है और उनके पास एटम बम है। पूर्णिमा जी देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने मुंह कई बार काला कर चुकी है, एक बार नहीं काले मुंह पर क्यों काली बार बार पोत रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। 26/11 की घटना होती है तो भी कह देते हैं नहीं ये भारत के लोग कराए हैं, जब सेना के मनोबल डाउन करने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं ये तो भारत की सेना वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक ही नहीं की थी। आज देख लीजिए कह रहे हैं ऐसे पाकिस्तान के बारे में, उसके कटोरे की नहीं बात कर रहे हैं, उसके भीख मांगने की बात नहीं कर रहे, उसकी कमजोरी की बात नहीं कर रहे, कह रहे हैं उसके पास भी परमाणु बम है, एटम बम है। अरे भैया आप ये मान कर चलिए कि दुनिया से अलग थलग एक ऐसा भिखारी देश पाकिस्तान जिसकी आप तरफदारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे देश की जनता उसकी जवाब देगी। अभी लोकेश जी ने कहा कि भाई हमारा उससे लेना देना नहीं। अरे मैं तो पूर्णिमा जी कहूंगा जितना कुछ लेना देना पाकिस्तान का उतने ही इनका भी है। जब 370 समाप्त होती है दर्द किसको बढ़ता है? पाकिस्तान को। और इनको सेना पे सवाल कौन उठाता है? कांग्रेस। और ये आतंकवादियों के लिए कौन रोता है? सोनिया गांधी जी, कांग्रेस की नेता और पाकिस्तान के लोग। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान से तो बड़ा गहरा रिश्ता है, लेकिन पाकिस्तान को आपके चैनल के माध्यम से और कांग्रेस को भी हिदायत दे देना चाहता हूं, ये बदलता भारत है, दूसरा भारत, ये मजबूत भारत है। अगर आप दुश्मनी हमारे साथ करेंगे तो निश्चित तौर पे उस तौर पे आपको जवाब। ठीक है आती हूं आपके पास। सर्वेश पाठक, ये टपक टपक कर जो पाकिस्तान को लेकर प्रेम निकलता है ना कुछ नेताओं का, इस प्रेम का कोई इलाज है? पाकिस्तान की दुर्दशा, पाकिस्तान की मनोदशा और पाकिस्तान क्या करना चाहता है भारत के साथ, ये बताने की जरूरत है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं हुई ये आज भी बताना पड़ेगा। 5 साल शौर्य को बीत चुके हैं लेकिन आज तक इनके सवाल खत्म नहीं होते। पूर्णिमा जी, ये इनकी दिवालियापन दिखाती और दिखाता है कि वो किस हद तक नीचता पे उतर आए हैं। हमारे सेना, उन्होंने कहा कि 1971-65 वो भी हमारी ही सेना थी, सरकार भले अलग हो, कि कारगिल युद्ध में भी हमारी ही सेना थी, सरकार भले अलग हो, लेकिन जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो उस पर सवालिया निशान उठा रखे हैं। हम घर में घुस के मारने वाले में से अब आ गए हैं। वो नहीं है कि अमन की आशा लेके हम जाते हैं वहां पे। अगर वाजपेयी जी बस लेके गए लाहौर तक तो उसके बाद कारगिल हुआ तो दुश्मनों के छक्के भी छुड़ाए गए। अगर मोदी जी जाके सीधा उतर
करते हैं, उसके बाद नहीं मानता है तो अगर हम बातचीत भी नहीं करेंगे और आतंकवाद का खात्मा घर घुस के करेंगे। ये कांग्रेस की दिवालियेपन की निशानी है कि एक के बाद एक वही पुराना राग अलापना, सेना को गाली देना, हमारे वीर शौर्य जो बलिदान है उनका अपमान करना, आखिर ये किस दिवालियेपन का उदाहरण दे रहे हैं। और देखिए ये एक के बाद एक होती है, अब्दुल्ला भी, फारूक अब्दुल्ला वहां से बोलते हैं, इससे पहले भी बोला करते थे। मैंने इसीलिए नाम ले दिया ना लगातार, सैम पित्रोदा से लेकर मैंने ऐसे बहुत बयानवीरों का जिक्र किया जो कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल करते हुए नजर आ रहे हैं। लोकेश जिंदल साहब, आती हूं आपके पास, मुस्कुराहट को बचाकर रखिएगा क्योंकि अगर देश बहुत अच्छी नहीं है सर, ये मुस्कुराहट एक ऐसे मौके पर जब देश में, जब हमारी सेना के मनोबल पर कोई सवाल उठाएगा, जब कोई भी नेता एक्स वाई जेड कोई भी नेता सेना के मनोबल को लेकर कोई बयान देगा, सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं हुई इसको लेकर सवाल उठाएगा, तो फिर उससे काउंटर क्वेश्चन भी होंगे। लोकेश जिंदल जी रुकिए, सब्र रखिए सर, सब्र रखिए, सब्र रखिए। आपको यहाँ पर बैठकर कहना चाहिए था कि रवंतर रेड्डी का बयान गलत है और हम भारत देश के साथ खड़े हैं। आपको कहना चाहिए कि मणिशंकर अय्यर का बयान गलत है, हम देश के साथ खड़े हैं। लेकिन आप मुस्कुराएंगे, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दो और मेहमान हैं, उनके पास होकर आपके पास आती हूँ, आती हूँ सर, रुकिएगा जरा। संजीव कौशिक जी, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट इसको लेकर मैं लूंगी। शहादत पर रेवंत रेड्डी को शक है, अब उनके इस शक का इलाज क्या करेंगे बताइए। हर किसी ने देखा कि क्या घटनाक्रम हुआ, कैसे हुआ, कितने जवान हमारे शहीद हुए, क्या परिस्थितियां बनी और उसके बाद पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया गया। फिर भी आज इनके नेता चुनावी माहौल में चुनावी लाभ के लिए ये सवाल पूछते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई भी है या नहीं, क्या पता हमको। पूर्णिमा, वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि कौन सी बात कैसे और कहां कही जाती है, अगर कहने का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये कहां, कैसे और सलीका बहुत महत्वपूर्ण है, कब आप बात कहते हैं और कौन सी बात कहां कहते हैं यही मायने रखता है। इस बात के बारे में जहां हम चर्चा कर रहे हैं कि आज इस पे चर्चा करना जरूरी था क्या, हिंदुस्तान के सेना के शौर्य पर किसी भी पार्टी और किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि प्रश्न खड़ा कर सके, लेकिन सरकार के नीतियों पर प्रश्न यदि खड़ा किया जाए तो सरकार सेना के पीछे क्यों छुपती है, ये तो पूछा जाएगा ना कि 40 हमारे यदि सैनिक वहां शहीद हो गए तो किसके नीतियों की वजह से शहीद हो गए, क्यों शहीद हो गया। आप एक अभिनंदन को छुड़ा के लाते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में डंका बजाते हैं, लेकिन 40 सैनिक हमारे शहीद हो गए उसके बारे में चर्चा ना करें हम, कैसे हो गए, कैसी ये चूक हो गई, कहां से 350 किलो RDX आ गया, क्या ये बात नहीं कही जाएगी। हाँ, ये बात फिर मैं दोहरा दूं कि ये वक्त नहीं है इस तरह की बातें करने का, मैं दोबारा फिर कह रहा हूं। और पाकिस्तान प्रेम आप बता रही है कि सारे लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का पाकिस्तान प्रेम, कांग्रेस ही बता रही है कि उनका पाकिस्तान प्रेम कैसा है, कांग्रेस ही बता रही है, कांग्रेस ही बता रही है, मैं नहीं बता रही, मैं यही कह रहा हूं, नहीं बता रहा, ये पाकिस्तान बता रही है। फारूक अब्दुल्ला याद है आपको क्या कहा उन्होंने, सुना आपने क्या कहा उन्होंने, हमें पता है, चन्नी ने क्या कहा आपने सुना, हमने सुना, लेकिन सुना आपने, यदि समय हो, मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा। ओपनिंग स्टेटमेंट के बाद सर डिबेट ओपन करूंगी और उसके बाद इसका आप कंक्लूजन आगे रखिएगा। रॉबिन शर्मा जी, एक प्रतिक्रिया आपसे लेते हुए, इस पूरी स्थिति में सियासत आपकी फिट रहनी चाहिए, बाकी देश की संप्रभुता बनी रहे या ना बनी रहे, पाकिस्तान को खुश होने का मौका हम दे देंगे कि लीजिए आपके नुमाइंदे कुछ यहां पर भी बैठे हैं जो आपकी वफादारी में बयान सामने रखते हैं और कसीदे पढ़ते हैं, ये स्थिति हमारे विपक्ष की है क्या आज। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, जिस तरह से पाकिस्तान को अपीस करने का प्रयास किया जा रहा है, पाकिस्तान को अपीस नहीं कर रही है, भारत के अंदर में रहने वाले जो मुसलमान हैं, जो मुस्लिम वोटों के लिए अपीसमेंट पॉलिसी चल रही है, इस वजह से ये सारे बयानवीर जो है कांग्रेस के वो एक एक करके बाहर निकल के आ रहे हैं। पहले 3 चरणों के चुनाव के बाद कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के नेताओं में एक हताशा है, एक निराशा है, जिस तरह से मोदी जी प्रो हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं, अब इंडी गठबंधन के नेताओं को लगता है कि पाकिस्तान प्रेम दिखा के वो मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ रिझा पाएंगे। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि भारत की सेना के शौर्य पे रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं, पाकिस्तान से इज्जत करने की बात जो है मणिशंकर अय्यर बोल रहे हैं, जबकि ये दोनों पार्टी, ये दोनों नेता जो है कांग्रेस के, ये भूल चुके हैं कि 1984 में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जो हत्या कर दी गई,
आईएसआई के इशारे पे खालिस्तानियों ने की थी। आईएसआई किसकी एजेंसी है? पाकिस्तान की एजेंसी है ना। ठीक है, तो जिस देश ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को मारा, लेकिन आपके पूरे ओपनिंग स्टेटमेंट में रॉबर्ट शर्मा, मुझे एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगी, एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगी। आपने पाकिस्तान को अपीस करने की बात की, मैं उसमें आपके आपके साथ 100% हूं, क्योंकि वैसी कोशिश नजर आती है। लेकिन फिर आप ये कहेंगे कि यहां पर एक विशेष वर्ग को खुश करने की कोशिश, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं कहूंगी रॉबिन जी, कि यहाँ के जितने मुसलमान हैं उनको उनको पाकिस्तान से प्रेम है सर, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी। क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, मैं लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि यहाँ पर भारत में रहने वाले सभी मुसलमान पाकिस्तान प्रेमी हैं, क्योंकि देश से वो भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि मैं और आप करते हैं।